जीवन में कब किस प्रकार का संकट आ जाए ये किसी को पहले से पता नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को कभी फूलना नहीं चाहिए, अमीरी में भूलना नहीं चाहिए, अभिमान में झूलना नहीं चाहिए और कदम कदम पर सावधान रहना चाहिए। दिन कब बदल जाएंगे, दिन कब बिगड़ जाएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, बुरे दिन कब आ जाएंगे, सब कुछ हाथ से कब खिसक जाएगा, बहुत कुछ हाथ में कब आ जाएगा, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। लेकिन इसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध जिसकी प्रबल प्रारब्ध है, अच्छी हो या बुरी हो, उस तरह की घटना घटित हो ही जाती है। आए एक नगर के माही ढेबुका मात्र रहे भीग नाही। राजकाज में रहने वाला राजा वीरभद्र, राजमहलों में सोने वाला वीरभद्र आज बेचारा पैदल अपनी रानी के साथ में भूखा प्यासा भटक रहा है। भाग्य किस उम्र में क्या मोड़ लेता है। बचपन में सुख था, जवानी में सुख था, बुढ़ापे में भाग्य ने पलटी खाया, दुख शुरू हो गया। हर रोज भाग्य परिवर्तन होता है और हर रोज तुम्हारे कर्म भी परिवर्तन होते हैं, सोच परिवर्तन होती है, विचार और वाणी बदल जाते हैं। बदलाव तुम्हारी जिंदगी का फार्मूला है। कर्मोद्रिकाए नृप चीन्हा बेची कछुक दिन भोजन कीन्हा। राजा वीरभद्र हाथ की उंगली में एक अंगूठी पहना था उन्होंने, तो उनका ध्यान उस अंगूठी पर गया तो उन्हें याद आ गया कि सोने की अंगूठी है, इसको बेच लूं तो कुछ तो पैसे मिलेंगे ही और कुछ दिन भोजन तो खाऊंगा इससे। सोने की अंगूठी है इसलिए महिलाएं सोने चांदी के आभूषण पहनती हैं, क्योंकि कभी अचानक घर से भागना पड़े तो कम से कम दो चार साल के खर्चा का इंतजाम साथ में चला जाए। गले का हार, कमर की करधनी, अंगूठी, छल्ला मुंदरी, नाक का फूल, नाक की नथुनी, कान की कुंडल, बाजू बंद, कड़ा बंद, झांझड़ा, पायल, बिछिया, बिछुआ, बहुत से आइटम इनके पास होते हैं। अब तो महिलाएं ज्यादा आभूषण नहीं पहनती, क्योंकि अब कितनी महिलाएं तो अपने नाम अपने पति से कहती हैं, मेरे नाम जमीन खरीदो तभी रहूंगी मैं। पति सोचता है जमीन जाए तो जाए,
लेकिन कम से कम पत्नी तो रह जाए, तो उसी का नाम खरीद लेता है एक एकड़ दो एकड़। दो एकड़ के लालच में पड़ी रहती है, काम करती रहती है, चिल्लाती रहती है। पति पत्नी में संदेह है, भरोसा टूट रहा है। कितने घरों में ऐसी नारियां हैं जो कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करती, न सोना न चांदी न जमीन न जगह, सबको अपना मानती है, सबसे प्रेम का व्यवहार करती है और प्रेम से रहती है। कि अपना ही घर है, अपना ही सब है, खेत बाग, अपना ही सब परिवार है, क्या अलग पलग होता है। क्योंकि उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, मन बड़ा पवित्र है, मन में सोच है कि सब ठीक है। निर्मल मन की महिला बहुत खुश रहती है। राजा साहब के पास में एक अंगूठी थी, उस अंगूठी को बेचा और बेच करके कुछ दिन भोजन का इंतजाम किया। याद रखना, चाणक्य ने अन्न को प्रिय पदार्थ कहा है। उन्होंने कहा है कि भूख लगने पर न तुम सोना खाओगे, न जमीन खाओगे, न चांदी खाओगे, न तो हीरे जवाहरात खाओगे, न कपड़े खाओगे, न ट्रैक्टर मोटर खाओगे, अन्न ही खाओगे। इसलिए अन्न से प्रिय कोई पदार्थ नहीं है। नास्ते अन्न समम प्रियम, नास्ते चच्च समम तेजो, नास्ते मेघ समम तोयम, नास्ते चा आत्म समम बलम। आत्मबल के समान कोई बल नहीं है, मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है, नेत्र के समान कोई प्रकाश नहीं है और अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं है। भूख लगती है तो ये शरीर अन्न की मांग करता है और अन्न खाते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए अन्न का इंतजाम हमेशा रखना चाहिए। आप कितना अच्छा घर बनाएं, कितना अच्छा आप आश्रम बनाएं, लेकिन अगर भोजन भंडारे का इंतजाम नहीं है तो वहां कोई रहेगा नहीं, कोई नहीं रहेगा, काम खत्म। भोजन भंडारा की व्यवस्था होना जरूरी है। आश्रम भले छोटा हो और भोजन भंडारा से भी ज्यादा अन्न से भी प्रिय अगर कुछ है, प्रेम का व्यवहार बहुत प्रिय है। आज हमारे पास में उन्नाव Oh, 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 oh